आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी और मुझे लगा कि ये न्यूज़ ऐसी है जो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊं। इस न्यूज़ में कुछ इस तरह मैंने पढ़ा, अ फादर वॉज फोर्स्ड टू सेल हिज फैमिली कार आफ्टर हिज 7-year-old सन अनविटिंगली रैन अप अ बिल ऑफ नियरली 1,300 pounds वाइल प्लेइंग अ गेम ऑन हिज आईफोन। वॉजंट इट शॉकिंग? फादर को अपनी कार बेच देनी पड़ी गेम्स की वजह से। तो ये सुन के मुझे तो बहुत शॉक लगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये न्यूज़ एक्चुअली है नॉर्थ वेल्स जो यूके में आया, और फादर को पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसा भी दिया हुआ है, ही एक्सप्लेन्ड दैट हिज आईट्यून अकाउंट इज़ लिंक्ड टू एन ईमेल दैट ही डजंट चेक रेगुलरली। मतलब इंटीमेशन तो मिला होगा पर फिर भी उन्हें पता नहीं चला, उन्हें आइडिया नहीं आया। बच्चा 7 साल का है, उसे भी कुछ पता नहीं चला। बाद में जब बात पता चली तब तो बहुत देर हो चुकी थी। तो काश इनको पता होता कि ऐसी गेम्स भी होती है जिनमें हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होती, ना तो हमें उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत होती है, और वो एकदम रिस्क फ्री होती है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी गेम है? और ये वाली गेम मैं आपके सामने खेल के भी दिखाऊंगी। तो और मुझे ये लगा बिल्कुल रिस्क फ्री है, ये गेम बहुत अच्छी है, मुझे भी मज़ा आया, आप लोग भी खेल सकते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब शायद आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैं हमेशा एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ, तो आज ये अचानक गेम्स का वीडियो क्यों? तो मेरी चैनल का नाम है Q4Curiosity। क्यूरियोसिटी तो कोई भी चीज़ की हो सकती है, तो आज मुझे जिस तरह से क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसी कौन सी गेम है, तो मुझे लगा कि शायद ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी काम की हो। तो चलिए लेट्स सी हाउ डू आई प्ले दिस गेम। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द गेम क्रोम डाइनो। लेट्स सी हाउ मच आई एम एबल टू स्कोर। ओके, इन द बिगनिंग इट इज वेरी इजी। ओके, आई हैव फिनिश्ड 100। Every time you play, you will get that beep after 100. See, now it's 200. Speed is increasing. I'm getting better and better at this game. I could not finish 500. It's okay because I have just started to play. 2-3 times only I've played this game. So hopefully I'll be able to do better than this next time. Hope you all enjoyed it. Actually मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि मैं कभी गेम्स खेलती नहीं हूँ। ये मैंने शायद पहली बार इतने सालों बाद, जब मैं छोटी थी तब शायद खेलती होंगी, और अब इतने टाइम बाद मैंने ये गेम को खेलने का ट्राई किया है। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं किया, बट ठीक है, चलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा मेन पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का, दैट इज़ अभी क्योंकि पेंडेमिक अभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं है, बच्चे अभी भी घर पे बैठे होते हैं, घर पे अपना लैपटॉप में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उस टाइम पर गेम्स भी खेलने की उनको मन करता है कि चलो मैम गेम्स खेलते हैं। तो गेम्स खेलने में वो इतने एंग्रॉस हो जाते कि ये भूल जाते कि ये एक एडिक्शन देने वाली चीज़ है। तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि गेम्स एक लिमिट में खेला जाए। खेलना गलत नहीं है, मैं नहीं बोलती कि गलत है, खेलो, बट एक लिमिट में खेलो, और फिर उसके बाद खुद समझ जाओ कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आजकल हम लोगों का स्क्रीन टाइम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके रिलेटेड आपको लास्ट में कुछ लिंक मिलेगी, वो आप क्लिक करेंगे तो आपको आई एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। तो वो एक्सरसाइज आप अपने काम, जहाँ जो भी आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ से आप अपना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, या फिर और वॉट एवर यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ द लैपटॉप, योर आईज आर गेटिंग स्ट्रेन, सो यू कैन डू दोज एक्सरसाइजेज इन बिटवीन योर वर्क। You have to just give little time, not much. At the end, you will also get the playlist which you can click and you can see the information related to day-to-day life and also a lot of science videos where you will get to know a lot of information. Dear friends, please like the video, subscribe to Q4Curiosity, share with everyone and click on the bell icon. Thank you for watching.